आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स वेलकम। सो द क्वेश्चन इज, एन अमीनो एसिड दैट हैज सिंगल हाइड्रोजन एटम, एसिड साइड चेन इज डैश इन नेचर, ए एसिडिक, बी बेसिक, सी न्यूट्रल, डी नन ऑफ दीस। सो गाइस, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि अगर अमीनो एसिड जो है उसके साइड चेन पर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम हो तो उस अमीनो एसिड का क्या नेचर होगा। ठीक है, सो गाइस, जो अमीनो एसिड होता है उसमें क्या रहता है, उसमें एक COO ग्रुप रहता है जो कि नेगेटिवली चार्ज रहता है, एक अमीनो ग्रुप रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है, एक हाइड्रोजन रहता है और एक आयल ग्रुप रहता है। तो गाइस, ये आयल ग्रुप जो रहता है ये वेरिएबल होता है। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयल ग्रुप। ओके, या तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा COO नेगेटिव होगा, या फिर एक एक्स्ट्रा NH3 पॉजिटिव ग्रुप होगा, या फिर OH कंटेनिंग ग्रुप होगा। सो गाइस, ये जो R है ये डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। सो गाइस, अगर एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो ऐसा अमीनो एसिड क्या होगा, एसिडिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, राइट। अगर एक एक्स्ट्रा NH3 पॉजिटिव ग्रुप आ गया तो ऐसा अमीनो एसिड हो जाएगा बेसिक, एग्जाम्पल लाइसिन। ओके, अगर यहां पर कोई सल्फर कंटेनिंग ग्रुप आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल मिथियोनीन। ठीक है, सो गाइस, ये जो ग्रुप होते हैं ये वेरिएबल रहते हैं जो कि अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। अब अगर गाइस एक एच ग्रुप आ गया इसकी जगह, तब अमीनो एसिड उस केस में क्या होगा, न्यूट्रल। सो अमीनो एसिड कैसा दिखेगा हमारा, कुछ ऐसी कंडीशन होगी गाइस, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगी और बाकी कोई चार्ज तो है नहीं अब यहाँ पर। सो ऐसा अमीनो एसिड हो जाता है हमारा न्यूट्रल। ओके, सो गाइस, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, न्यूट्रल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।